छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 7 अब सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया गया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं दो संख्याओं, दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। आखिरी में लिखा है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है, लेकिन इसमें एक संख्या छोटी है और एक संख्या बड़ी है। प्रश्न पढ़ने से हमें पता चलता है एक संख्या छोटी है और एक संख्या बड़ी है। तो आइए हम सबसे पहले छोटी संख्या और बड़ी संख्या मान लेते हैं। माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, तो हम लिखेंगे माना बड़ी संख्या x छोटी संख्या बराबर y। ये हम छोटी और बड़ी संख्या मान लेते हैं। तो प्रश्नानुसार दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ये फर्स्ट शर्त है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहली स्थिति में फर्स्ट शर्त से दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो सबसे पहले तो दो संख्याएं हैं एक्स व वाई, इनके वर्गों का अंतर करेंगे। तो अंतर यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, तो दो संख्याएं ये हुई एक्स व वाई, इनके वर्ग यानी कि एक्स वर्ग और वाई वर्ग, और इनका अंतर दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ऐसा प्रश्न में लिखा है। दो संख्याएं हो जाती हैं एक्स व वाई, इनके वर्ग यानी कि एक्स वर्ग और वाई वर्ग का अंतर यानी एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग, और ये दो संख्याओं के वर्गों का अंतर हमें दिया गया है 180। तो हम लिखेंगे 180। तो ये हमें प्रश्न में दिया गया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो संख्याएं हैं एक्स व वाई, इनके वर्ग हैं एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग, अंतर यानी माइनस बराबर 180। इसे हम समीकरण एक भी बना सकते हैं। अब हम सेकंड शर्त देख लेते हैं। सेकंड शर्त से चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या क्या मानी है हमने, बाई, तो छोटी संख्या का कर देते हैं वर्ग, यानी बाई वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या यानी एक्स का 8 गुना है। क्वेश्चन कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, इसलिए हम बड़ी संख्या का 8 गुना कर देते हैं, यानी 8 गुना में लिख देते हैं। तो बाई वर्ग बराबर 8x। ये बाई वर्ग का जो मान है 8x, हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे, इसको हम समीकरण दो बनाएंगे सबसे पहले, तो फिर लिखेंगे समीकरण एक व दो से भी लिख सकते हैं आप, या फिर लिखोगे बाई वर्ग का मान समीकरण एक में रखने पर। चलिए समीकरण एक में रख देते हैं। एक्स वर्ग लिखा है, सबसे पहले आप एक्स वर्ग लिखोगे, माइनस बाई वर्ग लिखा है, बाई वर्ग नहीं लिखना है, बाई वर्ग का मान कितना है 8x, तो अब आप लिखोगे 8x बराबर 180। इसके बाद 180 का पक्षांतर इस तरफ करोगे, तो एक्स वर्ग माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। इस तरीके से अब यहाँ पर देखना है माइनस 180 और माइनस 8x, गुणा में चाहिए 180 और जोड़ना घटाना में चाहिए माइनस 8। तो ऐसी दो संख्याएं हमें सेलेक्ट करना है जिनका गुणा 180 हो। तो आप यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 18 धाम 180 होता है, लेकिन माइनस का 18 कर दिया जाए
और प्लस का 10 कर दिया जाए तो माइनस का 8 ही बचेगा, और 18 × 180 तो होगा, प्लस माइनस का -180 हो जाएगा गुणा में, और जब इनका जोड़ना घटाना होगा तो -8 आएगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स वर्ग वो संख्याएं होंगी -18x प्लस 10x, -18x प्लस 10x, और ये -180 जो है ये ज्यों का त्यों बराबर 0। इसके बाद यहाँ पर चार पद हो चुके हैं, 1, 2, 3, 4। आप दो में से अलग कॉमन निकाल सकते हैं और इन दो में से अलग कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, x कॉमन लिया तो बचेगा x -18 है, यहाँ पर 10 है और 10 की टेबल में 180 आता है, यानी 10 से भाग चला जाएगा इसमें, तो हम +10 कॉमन ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं आएगा, केवल हम 10 कॉमन लेंगे तो बचेगा x -10, 18 बार भाग जाएगा तो ये 18 लिख देते हैं बराबर 0। ये दो ब्रैकेट है तो ये दोनों में से अनिष्ट आ जाएगा, x -18 है तो बचेगा x +10 और बराबर 0। इसके बाद हम दोनों ब्रैकेट्स के बराबर 0 ले लेंगे, यानी x -18 बराबर 0 या x +10 बराबर 0। -18 इस तरह आएगा तो आएगा +18, या +10 उस तरफ जाएगा तो आएगा -10। इस तरीके से हम x के दो मान निकालेंगे, लेकिन जो है x बराबर -10 काल्पनिक है इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर -10 मान्य नहीं है क्योंकि यह मान कैसा है, काल्पनिक है, क्योंकि यह मान काल्पनिक है। तो फिर x बराबर 10 जो है, x बराबर 18 जो है वो क्या हो जाएगा, मान्य होगा। तब बड़ी संख्या हमने क्या मानी थी, तो आंसर है बड़ी संख्या हमने मानी थी x, तो बड़ी संख्या आ जाएगी 18। जो हमने बड़ी संख्या यहाँ पे आप देखेंगे तो बड़ी संख्या मानी थी x, तो बड़ी संख्या x थी इसलिए उसका मान क्या आ जाएगा, 18। इसके बाद छोटी संख्या थी, छोटी संख्या वो मानी थी 2। तो छोटी संख्या के लिए हमें समीकरण दो में जाना पड़ेगा क्योंकि हमें 2 का मान चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर समीकरण दो में जाएंगे, 2 वर्ग बराबर 8x। तो छोटी संख्या के लिए समीकरण दो से समीकरण दो है 2 वर्ग बराबर 8x, तो 2 वर्ग बराबर 8 ज्यों का त्यों, लेकिन x का मान हमने निकाला है 18 है, 18 आ जाएगा तो 2 वर्ग बराबर 18 × 8 = 144। तो 2 वर्ग बराबर √144 हो जाएगा, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल आ जाएगा, और 2 बराबर आएगा 12 का वर्गमूल 144 हो, 144 का वर्गमूल 12 होता है, या 12 का वर्ग 144 होता है, तो ये छोटी संख्या आ जाएगी 12। अतः छोटी संख्या तय, छोटी संख्या जो है वो 12 होगी। इस तरीके से बड़ी संख्या हमने निकाली है जो है 18 है, और छोटी संख्या है वो है 12। तो आप सॉल्व कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं, ये पहला शॉर्ट, इसके बाद ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा शॉर्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।